हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पिजन सिटी इलाहाबाद में और हाई फ्लाइंग पिजन इलाहाबाद में। ये दो चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोगों ने जो है अपना कीमती समय निकाल कर जो है काफ़ी वीडियो देखी होंगी, लेकिन जो अभी हम आपको वीडियो दिखाना चाह रहे हैं ये हमारे महेश भाई ने मतलब कबूतर को ख़रीदने के चक्कर में एक कबूतर को ख़रीदने के चक्कर में पूरी पूरी ढाबली खरीद लिया है। यानी 30 कबूतर का, 40 कबूतर का पूरी ढाबली खरीद के एक कबूतर निकाल के बाकी सारा कबूतर मार्केट। और वही आप लोग को यही सजेशन करूंगा कि अगर आप लोग को अपने यहाँ नस्ल बनानी है तो नस्ल इसी तरीके से बनती है। ये तो फिर आपके पास काफ़ी पैसा हो कि आप जो है एक कबूतर का 10,000 रुपये दे सकें, या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि 150 रुपये 200 रुपये के हिसाब से पूरा खेल आप ख़रीद लें, उसमें से आप दो कबूतर निकाल के बाकी सारा कबूतर आप किसी और के हाथ दे दें। ऐसा नहीं कि सारा कबूतर वहाँ पर आपको बेकार मिलेगा, कबूतर आपको सब अच्छा मिलेगा, बस कलर, क्योंकि आपको नस्ल के साथ कलर बनानी है। जैसे महेश भाई का क्या कहना था कि हमें कलसीरा बनाना है, और इनके पास कलसीरे हरी आँख के भी हैं, काली आँख के भी हैं, सफ़ेद आँख के भी हैं, और सब रिजल्टेड हैं। क्योंकि ऐसा खाली कलर बनाने से कोई मतलब नहीं होता, कलर के साथ साथ उड़ाने भी रखनी पड़ती है, और महेश भाई ने वो सारी कुछ यहाँ पर बरकरार रखी हुई है। और कभी अगर आप लोग बोलेंगे तो इनका पर्चा भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये यहीं के साथ हम चलते हैं आपको सीधा वीडियो की तरफ। तो चलिए वीडियो दिखाते हैं आपको। हम लोग आ गए हैं महेश भाई के लॉट में, चलते हैं शौक कराने। ये हमारे महेश भाई के हाथ में कबूतरी है मादी, आप लोग शौक करिए। ये इसकी यहाँ का क्या क्वालिटी है महेश भाई इसकी? नर है भैया, ये फर्स्ट उड़ान में हमारे सोनू भाई ने उड़ाया था। सोनू भाई ने उड़ाया? जी हाँ, सोनू भाई हमारे गुरु हैं। जी जी, वही उड़ाए थे। अच्छा अच्छा। और ये कबूतर 2 बजे आया था। 2 बजे आया था? हाँ हाँ, 2 बजे आया था। शौक करिए भाई, यही कबूतर है जो 2 बजे इनके यहाँ आया था। कलसीरा कबूतर है, इनर कबूतर है जी हाँ। इसके पंजे का आप लोग शौक करिए, ये इसका पंजा है, बहुत बेहतरीन है। और देखिए ये इसका पर है, पर अभी कटा हुआ है, बाकी आप लोग देख सकते हैं पर की क्या क्वालिटी है। अभी जोड़ में पड़ गया, जोड़ में लग गया है जी। इसकी मादा दिखाइए, इसकी मादा, ये देखिए उसकी मादा कबूतरी है। इसकी आप लोग आँख शौक करिए, ये देखिए इसकी आँख है, इतनी बेहतरीन आँख है। इसकी क्या परफॉर्मेंस थी महेश भाई? बस भैया 1:30 बजे 2 बजे इसको भी आना, उसी 1:30 बजे मतलब वही साथ में चलती जी हाँ जी। ये देखिए ये मादा उसी की बहन है, उसी की सगी बहन है जी हाँ। एक ही झोल के जो है पट्टे होंगे जी आगे पीछे के, ये इसके पंजे हैं, और ये पंजा देख दीजिए। और महेश भाई एक चीज़ हम ये पूछना चाहेंगे जी, जैसे कबूतर में हड्डी जोड़ का क्या मायने होता है? भैया हड्डी जोड़ का मायने ये है कि दोनों को सेम हम लोग मिला के, दोनों मिलाए जी हाँ, जोड़ डाला जाता है। उसके बारे में ज़्यादातर हमारे सोनू भाई ही, सोनू भाई बताएंगे जी हाँ जी हाँ। लगाना उनका काम है, खाली आपने यहाँ रखना है जी जी। सोनू भाई और सूरज, सूरज भाई, सूरज हमारे यहाँ बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा, देखता सोनू भाई के यहाँ भी आते जाते थे हम लोग थोड़ा सा इस बीच आपस में कुछ बातें, बाकी हाँ, बाकी सूरज है बहुत अच्छा लड़का है। देखिए आप लोग इसके रिंग का शौक करिए, आँख की रिंग कितनी बेहतरीन है। ये कबूतर है, ये मादा कबूतरी है, उसकी जोड़ है बहुत अच्छा है, दोनों भाई बहन उड़ते थे। इनके पट्टे वगैरह अपने अपने पास होंगे जी हाँ, दिखाते हैं आपको इनके पट्टे भी दिखाएंगे, इनके पट्टे भी आपको दिखाएंगे। कबूतर का आप लोग शौक, एक नंबर के ये जोड़, ये कबूतरी है 1:30 बजे तक ये उड़ी है, 2 बजे तक इनका नर उड़ा हुआ है। अब इसके बच्चे दिखाते हैं आपको हम, मैंने ये देखिए उसके बाद ये दूसरा नर दिखा रहे हैं, पट्टे भी आपको लास्ट में दिखाते रहेंगे सबका जी हाँ। ये उसके बाप है, ये जो भी दिखाए थे जी हाँ, ये उसका बाप है। आप लोग शौक करिए इसकी आँख का, ये भी अपने फ्लाइट कर चुका है? नहीं भैया, ये ले आए थे। अच्छा, ये आया था हाँ। शौक करिए आप लोग इसका, ये कबूतर है बहुत लंबी साइज का कबूतर है हाँ। इसके पंजे, पंजे आप लोग देखिए इसके, बहुत बेहतरीन पंजे का कबूतर है। और पंजे में इस उंगली का कुछ कलर को डिफरेंट होता है कुछ? नहीं नहीं, जो भी है मतलब जिस जाने इस पंजे के कबूतर जो हैं जी जी, इस पंजे के बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, उड़ेंगे पट्टे, उड़ने ही उड़ने हैं, उड़ना है। और सेम मेरे पास इसकी देखिए मादा है, मैं दिखाता हूँ मादा इसकी दिखा रहे हैं। ये देखिए उसी पे लगाए हुए मादा है, ये कौन सी मादा है महेश भाई? भैया ये मादा टैडी से बनी हुई है, ये टैडी से बनी हुई मादा महेश जी बता रहे हैं। 3:30 बजे ये मार्केट में गिरी हुई थी, मार्केट में जी हाँ, आपके यहाँ यही न्याय नगर में? अच्छा अच्छा, न्याय नगर में 3:30 बजे गिरी, एकदम जान लीजिए कि साल पलट नहीं थी कबूतरी, ये उस समय कबूतर थी हाँ, बस पानी से कबूतरी तुरंत पकड़ी गई है, पकड़ गई है। और इसके पट्टे जी जी, बहुत तारीफ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके पट्टे 3 बजे 4 बजे तक आ रहे हैं आपके जी हाँ। और इसके ये पंजे, ये पंजे आप लोग देख लीजिए, बहुत बेहतरीन पंजे का कबूतर। इसकी जोड़ वगैरह क्या बंद है खुली है? है बंद है, एकदम बंद जोड़ का। देखिए ये इसका पर देखिए आप लोग, दिखाइए ऐसे करके, ये देखिए पर देखिए पूरा काले पर की है, 10 पर काला है जी। ये मादा है, जोड़ इसकी बंद है खुली है?
बंद है, एकदम पूंछ भी बंद है, बंद दुम की और जो है दुम भी बंद है और पर भी जो है जोड़ की बंद है जी हाँ, सब कुछ है। इसके बच्चे का जो बताए रिजल्ट 4 बजे तक है। हाँ, हाँ। ये देखिए आप लोग सॉल्व करिए, इसकी आँख सॉल्व करिए आप लोग, क्या परफॉर्मेंस है इसका भैया? 4 बजे 3 बजे 4 बजे इसमें जी हाँ। इसकी आप लोग भाई रिंग देखिए, देखिए पूरी रिंग इसकी प्रॉपर बनी हुई है पीछे की, जो कि जल्दी से देखने को नहीं मिलती। पीछे की रिंग बनी प्लस आगे की पूरी रिंग कंप्लीट, कबूतर की मतलब आँख में पूरी रिंग इसमें हमको दिख रही है। जी हाँ, नॉर्मल मैं उड़ाता हूँ ठंडी में जी, जी ठंडी तो 3 साढ़े 3 4 बजे तक नॉर्मल नॉर्मल जी नॉर्मल। और गर्मी में? गर्मी में तो मैंने इसे उड़ाया नहीं भी, क्योंकि मैं सारी ठंडी ही उड़ानूंगा, ठंडी उड़ाना जी हाँ। गर्मी में रिस्पांस अभी नहीं देखा हमने। अच्छा अच्छा। और जो अभी नर मादा आपको दिखाए उसी के ये पट्टे हैं, उसी के पट्टी है जी हाँ। ये इसके पंजे, ये इसके पंजे आप लोग सॉफ करिए, इसके ये पंजा है इसका, चूड़ी वगैरह पहनाए हैं तो, लेकिन तब भी आप पंजा देख लीजिए बहुत बेहतरीन। ये पर देखिए आप लोग, पर भी कैच हैं और बाकी पर में जो मुलायमियत होनी चाहिए बाकी सारी सब उसमें दिख रही है। और पर का तीला भी आप लोग देख लीजिए, एकदम पतला है तीला, मुलायम पर के छोटी बगल की कबूतरी है। देखिए ये महेश भाई के हाथ में ये कबूतर है, एक हाथ का बता रहे हैं कबूतर साइज, देख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए साइज देखिए आप लोग, पूरा कबूतर एक हाथ का, घर के पट्टे हैं सब। आँख का शौक करिए आप लोग, कितनी बेहतरीन आँख का ये कबूतर, प्रॉपर पूरी रिंग बनी हुई है, जर्रात वगैरह आप लोग देख ही सकते हैं। ये कबूतर है पूरा कलसीरा। ये कहाँ की नस्ल है महेश भाई? भैया नस्ल क्या, घर पे ही बनाया गया है, अपने घर पे बनाया हाँ, गया। सारे जितने कबूतर हमारे आप देख रहे हैं जी जी, मेरे घर के पट्टे ही मिलेंगे, अपनी नस्ल बनाई गई है, एक जोड़ से मैंने बनाया है ये पूरा खेल, एक जोड़ तैयार है जी हाँ, अपना क्रॉस करके जो पर बनाया गया है एकदम। देखिए पर देखिए आप लोग, पर में वाइब्रेशन देखिए कितना ये हिल रहा है, पर देखिए ऊपर तक हिल रहा है पूरा, बहुत खतरनाक। और पंजे इसका दिखाइए, इसके पंजे देखिए, ये पंजा आप लोग देखिए कितना बेहतरीन है, उंगली देखिए सब एक जैसे हैं पूरी उंगली, और पूरा क्वालिटी देखिए आप लोग। जितने आप यहाँ कलसीरे देखेंगे सारे कबूतर के पंजे एक तरह में, चूँकि एक ही जोड़ से बने हुए हैं, सब एक जैसे मिलेंगे। ये भी अभी ये नया पट्टा 6 महीने का नहीं है, ये 6 महीने का पट्टा नहीं है, नहीं है 6 महीने, ये महेश भाई बोल रहे हैं 6 महीने का पट्टा ये नहीं है, ये भाई नया वाला है, ये 6 महीने का पट्टा नहीं है, ऐसे लग रहा है कि जैसे 2-3 साल का कबूतर हो, 6 महीने का पट्टा नहीं है अभी। बंद करके ऐसे होगा, ऐसी क्वालिटी बन गई होगी भैया। इसके जितने भाई बहन हैं सब दिखा रहे हैं आपको हम, एक ये भाई के हाथ में है और एक ये भाई के हाथ में है, देखिए सब आपको एक ही क्वालिटी नज़र आएगी, अभी सब आपको पकड़ा के सॉफ कराते हैं सब उन्हीं के भाई। ये देखिए अभी आपको पहले दिखाया गया था, सब उसी के भाई हैं ये, आप लोग सॉफ करिए इनकी आँख का। और आँख के देखिए लास्ट वाली देखिए रिंग जो काली कलर की दिख रही है, खुल के दिख रही है पूरी खुल की, ये सब ब्रीडर कबूतर उड़ने वाले कबूतर में जो है अच्छी क्वालिटी होती है, जो मैं जानता हूँ जहाँ तक अपने अंदाज से। और ये पूरा कलर आप लोग देखिए, ये पूरा कलर निकल के आएगा आपके सामने, बहुत बेहतरीन। इसके पर देखिए, पर आप लोग देखिए कितना बेहतरीन है, कलसीरे पर का एक तरह पर देखिए, कलसीरा पूरा पर आएगा ये देखिए पर। और इसके पंजे देखिए, पंजे का आप लोग शौक करिए, ये इसका पंजा है एकदम बेहतरीन, कोई फर्क नहीं पंजे में, जितने भी कबूतर आप देखेंगे सब एक ही पंजे के आपको नजर आएंगे यहाँ पे, बहुत बेहतरीन। और इसकी टेल देखिए, और रिंग जो बनाए हैं, रिंग जो है अपने से बनाए हैं कि लेकर आए थे कहीं से? नहीं, रिंग आई है। अच्छा आई है जी, बहुत बेहतरीन लग रहा है ये रिंग जी। अच्छा अच्छा, ये देखिए कबूतर का शौक करिए, अभी इनके मित्र भी आ गए, बाकी वाइब्रेशन सभी के कबूतर में, बस बस भाई सेम बरकरार रखी गई है वाइब्रेशन को, जितना उड़ेंगे उतना कम, जितना उड़ा लीजिए उतना कम है कबूतर को। देखिए ये सामने से आएगा कबूतर, ये देखिए महेश भाई के हाथ में कौन सी मादा, महेश भाई टैडी मादा, ये देखिए टैडी मादा बताई जा रही है, शौक करिए आप लोग इसकी आँख का, बहुत ज़बरदस्त। बाकी रिंग देखिए, रिंग देखिए पूरी प्रॉपर बनी हुई है, देखिए देखिए एकदम बेहतरीन बनाई गई है, ये पूरा कलर निकल के आएगा इसके पंजे। और ये पंजा देखिए आप लोग, बहुत बेहतरीन भाई महेश भाई ने जो बना के रखा है, शायद ये आपको देखने को कहीं मिलती हो ऐसी। ये देखिए पर इसका कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, देखिए पर इसका, ये देखिए पर बहुत बेहतरीन, एकदम पतली दुम, एक दुम की बन जाती है। आप लोग शौक करिए, ये महेश भाई के हाथ में जो है कबूतरी आई है,
ये कौन सी मछली भाई? ये उसी ब्लड लाइन की? नहीं उससे नहीं है, पिछले साल पकड़ी गई थी एकदम पट्टी। अच्छा। ची ची कर रही थी तो मतलब चीख पट्टी आई थी, पकड़ी गई थी लेकिन उड़ाए बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। आप लोग इसकी आँख का शौक करिए भाई, एकदम बेहतरीन से देखिए बंद ही नहीं कर रही आँख, देखिए हिल रही है खाली। ये कबूतरी है और इसके पंजे का आप लोग शौक करिए, बहुत बेहतरीन पंजे की कबूतरी है, एकदम नाखून देखिए एकदम पतली पतली रूखी रूखी नाखून। और ये देखिए पर आप लोग शौक करिए, पर का पर कटा हुआ लेकिन पर की तीली वगैरह आप लोग देखिए एकदम बेहतरीन है, जो क्वालिटी होनी चाहिए सारी क्वालिटीज़ में है। बाकी पर थोड़ा सा खा गया है कीड़ा वगैरह तो ऐसे पर आएगा। देखिए ये कबूतर आप देखिए क्वालिटी बड़ी भयानक इसकी दिख रही है हमको आँख वगैरह से, देखिए एजेड कबूतर लग रहा है। हाँ भैया ये हमारे यहाँ का सबसे पुराना कबूतर है, सबसे पुराना कबूतर महेश भाई यहाँ का। जी हाँ इसी के बच्चे आपके यहाँ फिर उड़ते भी होंगे। जी हाँ जो क्वालिटी दिख रही है हमको। जी 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 ये क्वालिटी देखिए आप लोग एकदम बेहतरीन, ये लग हाँ 10-12 साल पुराना हो गया, 12 वर्ष का कबूतर बताया जा रहा है इसको। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं क्वालिटी। इसके बच्चे कितने उड़े हैं आपके यहाँ भैया? इसके बच्चे 3-3.5 तक बैठे हैं, उड़ा नहीं पाए नहीं तो कबूतर बैठ ना पाए। 3-3.5 बजे तक इसके बच्चे बैठे हैं आप लोग क्वालिटी नॉर्मल कोई नॉर्मल नॉर्मल। और एक उड़ने वाले कबूतर की जो पहचान होती है आपको सारी पता होनी चाहिए। बाकी ये देखिए पर देखिए कैच है, क्योंकि इतना एजेड कबूतर है तो भी उड़ाना कोई मतलब नहीं है, नहीं जाया हो जाएगा में है। जी जी इसके ये पंजे, और आप लोग पंजे का देखिए पंजे का शौक करिए कितना बेहतरीन। और अच्छे कबूतर का जो पंजा देखेंगे वो रूखा पंजा आपको नजर आएगा, देखिए रूखा पंजा है ये खूनी पंजा। ये देखिए महेश भाई ने बनाया है कलजीरा मको, ये देखिए शौक करिए आप लोग इस कबूतर की आँख का, ये तो आँख इसकी समझ भी नहीं आएगी। बाकी देखिए मको यहाँ का कबूतर है छोटी चोच का, इसके बारे में कुछ बताएंगे महेश भाई? भैया इसे उड़ाए तो नहीं, इसके पट्टे उड़ाए हैं, इसके पट्टे उड़े बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं, जबकि हम लोग उड़ा नहीं पाए चूँकि इतना हमने अभी टूर्नामेंट नहीं 2000 साल से उड़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा बाकी इतने अच्छे उड़े हैं कि कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हाँ उड़े हैं ये क्वालिटी है। इसके पंजे देखिए, इसके पंजे का एकदम रूखे रूखे पंजे का कबूतर है इसके। ये कबूतर हमारे जो है भाई के हाथ में आ गया है, सूरज भाई के हाथ में। अब सूरज भाई इसके बारे में आपको बताएंगे क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। शौक करिए आप लोग इसके आँख का, बताइए सूरज भाई कैसा है ये? आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, ये कबूतर देख के बता सकते हैं आप लोग कैसा होगा, बाकी हमारे बताने ना बताने से कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं भाई सब लोग आप लोग देख लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसा है। जी 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 बाकी लोग कहने का तो बहुत कुछ कहते हैं। ये पंजा है, इसके बच्चे वगैरह निकाले होंगे तो क्या परफॉर्मेंस आया है? बच्चे सब उड़ान में लगते हैं इसके, सब लगते हैं उड़ान में। हाँ और वो भी हम लोग अपने से उड़ाए हैं, सब कुछ अपने से उड़ाते हैं, तो अपने से ये कबूतर उड़ते हैं 12 बजे 1 बजे तक पट्टे इसके आते हैं। हाँ केवल अपने से, कोई दवा पानी नहीं कि हम लोग बहुत बड़ा करके उड़ाए ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल नॉर्मल बता रहे हैं, उड़ाया जा रहा है नॉर्मल में। ये अपने से ही हर 2-3 उड़ान उड़ चुके हैं ना, 2-3 उड़ान में इनके बच्चे उड़े हैं, सब जो है पार आते हैं, उड़ान में भी पार हुए हैं। ये खुद पार हुआ है इसके बच्चे? नहीं ये नहीं, ये इसके बच्चे पार हुए हैं, बच्चे पार कराए। हाँ ये कबूतर हमको बहुत नसीब से मिल गया था। बढ़िया बढ़िया हरी आँख में, देखिए आप लोग शौक करिए, हरी आँख बताया जा रहा है। और हम लाइट भी चालू करें इसके दिखाते हैं आपको, देखिए वाकई में हरी आँख की कबूतर लग भी रही है, हरी आँख की मादा डाली है, ये मादा डाले गए हैं तो उसके बारे में इसके पंजे देखिए। ये मादा हम लोग खरीद के लाए थे, बोले अच्छा बच्ची है इसकी, ये पट्टी है घर की पट्टी है, एक नर हमारे पास और है उसको हम दिखाते हैं अभी, उसकी पट्टी है, इसी से डाल दिए थे, बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आ रहा है। हाँ इसके क्या फ्राइड है इनके बच्चों की? इनके वही बताए तो ना, उसका जो नर था वही 12-1 बजे तक उठते हैं अपने से, जोड़ लगाई गई है और ये बच्चे को आगे उड़ाया जा रहा है। ये क्वालिटी आप लोग देखिए, ठीक भाई हरी आँख में निकला, ये देखिए जो दिखाया गया था उसी के पट्टा है, हरी आँख में देखिए आपको दिख रहे होंगे इतना दूर से, बाकी नज़दीक ले जाएंगे तो काली आँख नजर आएगा आपको, देखिए हरी आँख का पट्टा है, दूर से दिखा रहे तो हरी आँख आपको नजर आएगी। 4-5 महीने की पट्टी है, देखिए ये साल 3 महीने बच्चे हैं, 3 महीने के बच्चे हैं कबूतर, मात्र लगते नहीं होंगे आपको, आपको लगेगा जैसे साल पलट लग रहा होगा, है 3 महीने का, 3 महीने इसके पंजे देखिए, क्योंकि सब कुछ रख रखाव पे और देखभाल पे होता है। बाकी पंजे देखिए कितने रूखे पंजे हैं यहाँ पे, आप लोग देख ही सकते हैं ये क्वालिटी है।
इसके दो पट्टे जो बड़ा वाला था ये भाई इसके दो निकल गए यहाँ से, लेकिन किसी के अभी तक टापे गिरे नहीं है। जंगली हो जाएंगे, एकदम जंगली हो जाएंगे, लेकिन किसी के टापे गिरेंगे नहीं। जोड़ बहुत बेहतरीन लगी है। हाँ अभी भी दिखते हैं वो पट्टे, जंगली हो गए। हाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पे अब पट्टे पर से निकल गए थे। अब इसकी मादा दिखाते हैं आपको। ये देखिए सूरज भाई कबूतर आपको नजर दिखा रहे हैं। ये वो कबूतर है, इसको हमने मोहर लगा पकड़ा था। मोहर लगा पकड़ गया। हाँ सब इसी के नस्ल बन रहे हैं। वो अलग कबूतर था, ये अलग है, मकवाया भी है, लेकिन ये हमारा सबसे बेस्ट कबूतर है। इन्हीं के बच्चे हरियाणा, ये जो बच्चे ये निकालता है हरियाणा का, एकदम नंबर एक के उड़ते हैं ये। हमको मतलब बहुत प्यारे हैं ये पट्टे इसके। बाकी लोग कहते हैं कि हरियाणा के कबूतर उड़ते नहीं हैं, लेकिन इनके यहाँ बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद चल रहे हैं, 5:30 बजे। और उड़ान में आपको हम बताएं, नेक्स्ट अगले साल जो है हम लोग उड़ान उड़ाए थे, उसमें इसका एक पट्टा ऐसा था कि बैठ नहीं पाया था, शाम हो गया था, आया था आके निकल गया, दूसरे दिन आया था। सोच लीजिए भाई, यही कबूतर है जिसके बच्चे 5:30 बजे तक जो है आ रहे हैं और उड़ान के दिन आ नहीं पाया था। वो ठंडी की उड़ान थी, गर्मी में नहीं, ठंडी बता रहे हैं। देख लीजिए भाई, इसके पंजे का शौक कीजिए, पंजे का शौक करिए, देखिए कितना रूखा पंजा है। और अच्छे कबूतर की पहचान जो होगी नस्लदार कबूतर की, उसका पर आपको पंजा रूखा ही मिलेगा। पर इसका देखिए, पर तो कटे हैं, पर तो कैसे, जितने कबूतर आपको दिखाया जाएगा सब काले पर के, काले पर कल सीरे। ये देखिए सब करिया आप, सब करिया आप लोग, देखिए सब करिया आप लोग, ये मादा कबूतरी है और इसी की नस्ल बनाई गई है जो हरियाणा की बनी है। ये हम लोग लाए थे कहीं से, अच्छा कहीं से लाए, इसको लाए थे मादा, उसी में डाल दिए थे, इसी के पट्टे सब उड़ रहे हैं ये दोनों के। 5:30 बजे जो पट्टे आ रहे हैं उसी कबूतर के आ रहे हैं, ये मादा जो डाली है। क्वालिटी देखिए आप लोग कितनी बेहतरीन है, मादा लगती नहीं बहुत पुरानी है, लेकिन 3-4 साल पुरानी है। नहीं नहीं कहीं से नहीं लगती भाई, बाकी कबूतर आप लोग देखिए क्वालिटी क्या क्वालिटी है। इसके पंजे देखिए, पंजे का आप लोग शौक करिए, जो हमारे सूरज भाई दिखा रहे हैं, देखिए ये पंजा, ये इसका पर दिखा रहे हैं, पर देखिए आप लोग, बताया जा रहा है एकदम नाजुक पर है, बाकी हम भी आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए फोल्ड कर दिए, कोई फर्क नहीं, वापस अपने जगह में देखिए, देखिए इसकी एक पट्टी ये निकाले हैं, हरियाणा की है, हरियाणा की, देखिए आपको हरी आँख नहीं दिख रही होगी, बाकी हरी आँख की कबूतर है ये, धूप में देखेंगे दिखेगा। फोकस कराना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मोबाइल से फोकस हो जाएगा तो आप लोग देखते रहिएगा, ये क्वालिटी आएगी। इसके पंजे देखिए, पंजे देखिए कितने रूखे रूखे पंजे हैं भाई यहाँ पे, देखिए लाल लाल खूनी पंजा। पर का शौक कीजिए, पर का शौक करिए भाई आप लोग, छोड़ दो। देखिए भाई यहाँ पर एक कलसीरा कबूतर आपको दिखाया जा रहा है, इसकी क्वालिटी आप लोग देखिए, सफ़ेद आँख का है, सफ़ेद आँख का, जितना इसका नजदीक बचाए उतना फोकस करके आप देखिए, इसे थोड़ी दिखाई धूप आ रही है, देखिए जर्रात वगैरह देखिए आप कितनी बेहतरीन आप नज़र आई आपको, और ये पूरा कबूतर निकल के आएगा आपको, आँख दिखाइए भाई, देखिए ये क्वालिटी आएगी आपके सामने, पर सबका काला आपको नज़र आएगा, पंजे दिखाइए। सूरज भाई कहाँ से आप पंजा देखिए कबूतर का, कितना बेहतरीन है और बहुत बेहतरीन क्वालिटी का कबूतर, इसका क्या परफॉर्मेंस है, इसको उड़ाया नहीं है, इसके बच्चे हाँ, ये घर का पट्टा ही है, पट्टा भी हाँ, लेकिन हाँ इसको उड़ाया नहीं, ये थोड़ा अच्छा निकल गया था, अच्छा निकल गया हाँ, तो इसको रोक लिया गया था, लेकिन इसके जो दूसरा पट्टा था इसका जो भाई था वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बेहतर है बेहतर है। अब आप लोग शौक करिए, सूरज भाई के हाथ में अभी जो कलसीरा दिखाए थे उसका बाप, आप लोग शौक करिए इसकी आँख का, एकदम बेहतरीन ये पूरा कबूतर है आपके सामने, देखिए सब काले पर के कबूतर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, क्योंकि जो महेश भाई ने बना के रखा है घर की ब्रीड है, सब घर की ब्रीड, अभी आपको जब सब एक साथ दिखाएंगे कबूतर तब आप देखिएगा, लेकिन आपसे यही कहेंगे कि कमेंट अच्छा ही करिएगा, नज़र ना लगाइएगा। ये देखिए आप लोग शौक करिए, इसका पर दिखाइए, पर देखिए आप लोग इसका एकदम बेहतरीन, तीरी वगैरह देखिए एकदम मुलायम, और इसका पंजे दिखाइए भाई, कबूतर जो है वह गर्म मिजाज का छटपटा रहा है, ये देखिए खूनी पंजा, जितने मिलेंगे सब खूनी पंजे के, देख लीजिए ये वही पट्टा है जो उड़ान में लगा था,
उड़ान में ही पट्टा लगा। ये शाम को जो उतर नहीं पाया था दूसरे दिन आया था, देख लीजिए उसी मकोई में हरी आँख में। बहुत बेहतरीन कबूतर है और इसका आप लोग फिर से आँख का शौक करिए जो महेश भाई ने बनाया। इसकी आँख किसी हुई का है, ये अभी लड़ रहा था वो चोटिल हो गया है। चोटिल हो गई है। बस इसका पर दिखाइए, पर उसको कैच कर दिया क्या कि उड़ान अभी लगा, उड़ान नहीं है ना तो हम लोग का जूसी उड़ान हो नहीं रहा है। कोई होगा दिखाएंगे, जूसी का टूर्नामेंट लिया नहीं जा रहा है, नहीं तो हम लोग ठंडी हर साल ठंडी उड़ाते हैं। ये देखिए पर कैचा पंजे से दिखाते हैं, ये इसका पंजे देखिए, इसके रुखे रुखे पतले पतले पंजे देखिए। ये मादा कबूतरी है, ये भी उड़ान में उड़ी थी, उड़ी थी ये भी। अभी उड़ान तो है नहीं, नहीं पर किया था, पर कैच कर दिया है। अभी जब इसकी एज हो जाएगी तो वापस जोड़ में लग जाएगी। ये देखिए नहीं उड़ाया जाएगा जोड़ पे, तो इसके नर माँ बाप है। अभी चार साल ये उड़ेंगे, इसके बाद जो है जोड़ पे लिया जाएगा, बाकी अभी ये उड़ेंगी। इसका पंजा दिखाइए, ये देखिए आप लोग इसका पंजा का शौक करिए। ये उसकी बहन है जो अगला वाला दिखा, देखिए पंजे का शौक करिए। अभी 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 दसोखा साफ नहीं किया है, नौकली का पट्टा है, नौकली का पट्टा इसे लग रहा है कि जैसे दो तीन साल का हो गया हो। शौक करिए आप लोग इसकी आँख का, ये देखिए मटमैली आँख का कबूतर है। ये उसका पर देखिए, अभी देखिए अभी सात कली का है, दो कली कम बताए थे। देखिए सात कली का कबूतर है, तीन कली भी देखिए इसकी बची हुई है और देखने में ऐसा लग रहा है कि जो दो तीन साल का कबूतर है। इसके पंजे दिखाइए, पंजे देखिए इसे, पंजे देखिए, ये इसके पंजे हैं। आँख देखिए, ये देखिए बचपन में कुछ को दिक्कत, हाँ इसके आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, लगता है पॉक्स आ गया था, दाना निकल गया था, दाने की वजह से दिक्कत हुई थी। पलटिए कबूतर, इधर देखिए इसकी आँख, इधर से आँख देखिए, प्योर आँख हरी आँख की है, हरी आँख का कबूतर है। मोबाइल पर इतनी फोकस नहीं दे पा रही है, नहीं तो आपको और हम बेहतरीन तरीके से कलर दिखाएं। ये पूरी कलर है, ये भी उड़ी हुई है, अभी नहीं उड़ी, अभी नहीं उड़ी, अभी कोरी है। तीन महीने खाली कबूतरी है, कोई एंगल नहीं लग रही है, तीन महीने कबूतरी है। अभी तो देख लीजिए पर आ रहा है इसकी, पर देखिए अभी आ ही रहा है, बाकी पर देखिए सिर्फ कितना बेहतरीन है। ये पंजे का आप लोग शौक करिए, आप लोग देखिए ये सारे कबूतरों को हम यहाँ पर छोड़ के दिखा रहे हैं क्योंकि कम समय में आपको सब दिखाना है। आप छोड़ छोड़ के दिखाते तो वीडियो जो है दो घंटे की बन जाती और गाना फिर लड़ाई होगी नहीं कि आप इतना देर तक देखेंगे। बाकी देखिए शौक करिए आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर एक पार्ट में यहाँ पर आग देखिए, आग का शौक करिए। अभी हम पलटते हैं दूसरे तरफ दिखाते हैं, अभी हम आ गए दूसरे तरफ, यहाँ से शौक करिए। वाइब्रेशन देख रहे हैं भाई, बिना पकड़े वाइब्रेट कर रहा है, उड़ान में लगी थी। और ये सारे कबूतर आप लोग देखिए, और कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं, हम जो नीचे नीचे खाली वही दिखा रहे हैं आपको। तो आप लोगों ने जो है वीडियो देखी कलसीरे कबूतर की, ये पार्ट वन थी। तो आप लोगों ने कलसीरे कबूतर का शौक किया होगा और इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट पार्ट में फिर आपको दिखाएंगे दूसरा कबूतर। तो आप लोगों ने शौक किया है, ये सारे कबूतर थे, वक्त ज़्यादा हमने ले लिया आपके कबूतर दिखाने में। तो अपनी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।